अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखे जाने वाले व्रत करवा चौथ की धूम सुजानपुर बाजार में दिखनी शुरू हो गई है। इस व्रत में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें बाजार में उपलब्ध हैं। बात छन्नी की हो या फिर रंग बिरंगी चूड़ियों की या फिर मिट्टी के करवे की, अलग अलग वैरायटी में तमाम चीजें शहर की दुकानों में उपलब्ध हैं। रंग बिरंगे मनमोहक अंदाज में गोटा लगाकर सजाई गई छन्नियां पानी पीने के लिए, मटका पूजन के लिए रखे जाने वाले करवा और हाथों में डालने वाली चूड़ियां, बिंदी सुर्खी मेकअप का सामान मिलना शुरू हो गया है। हालांकि अभी व्रत आयोजन में करीब 3 सप्ताह का समय है, लेकिन फिर भी बाजारों में अत्यधिक रस ना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना हो, उसके लिए अभी से ही बाजार में तमाम चीजों की ग्राहकी शुरू हो गई है। विशेष रूप से गांव में खुली छोटी छोटी दुकानों में तमाम ये चीज उपलब्ध हो, इसके लिए ग्राहक बाजार में आना शुरू हो गए हैं। आपको बताते चलें कि सुहागन पत्नियां लड़कियां अपने पति एवं होने वाले पति की दीर्घायु के लिए इस करवा चौथ का व्रत करती हैं। पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर अपने पति की दीर्घायु को लेकर इस व्रत का आयोजन किया जाता है। रात्रि को चांद का दीदार करके पूजा पाठ का आयोजन करने के बाद छलनी में से पति का चेहरा देखकर इस व्रत को खोला जाता है और फिर उसके बाद भोजन पानी का सेवन किया जाता है। इस वर्ष 4 नवंबर को इस व्रत का आयोजन पूरे भारत में हो रहा है। व्रत पर कोरोना की मार ना पड़े, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देश उनकी पालना हो, इसको लेकर जहां व्यापारी सतर्क है, वहीं ग्राहक भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि इस व्रत के आयोजन को लेकर महीना भर पहले ही खरीदारी शुरू हो गई है, ताकि समय रहते तमाम चीजें इकट्ठा हो जाए, अत्यधिक मार्केट में रस ना पड़े और लोग सुरक्षित रहें। व्रत के आयोजन को लेकर आने वाले दिनों में मार्केट में क्या असर होता है, व्रत दुकानदारों के चेहरों पर रौनक लेकर आता है या फिर व्यापारिक दृष्टि से मंदी की मार रहती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन व्यापारी वर्ग ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हुए दुकानों को भर लिया है, अब वे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी विनोद ठाकुर ने बताया कि तमाम व्रत आयोजन को लेकर लगने वाली चीज उपलब्ध है, तमाम चीजें स्वयं बनवाई जा रही हैं। अभी मंदी की मार है, आने वाले समय में मार्केट क्या बोलती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी अपनी तरफ से लोगों को पूरी सुविधाएं मिली, इसके लिए तमाम चीजें उपलब्ध करवा दी गई है। तो सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण रूप से चल रही हैं। ज़्यादा छाननी हो गई जो इसमें जो विशेष रूप से चलती है, करबा हो गया, तो वो सभी आइटमें जो हमने तैयार करके रखी हुई है, तो कृपया हमारा लाखाबाद से गुजारिश है कि वो सेवा का मौका। धन्यवाद। करबे का त्यौहार जो वो नज़दीक आ रहा है, 4 नवंबर को करबे का एक हमारे हिमाचल में क्या पूरे भारतवर्ष में ही बहुत बड़ा एक नारियों का त्यौहार है, जो कि अपने पति देव के लिए आते हैं। तो उसकी सभी तैयारियां, जैसे कि उसमें जो भी आइटम लगती है, जैसे आटा छाननी हो गई, करवे हो गए, फिर चूड़ियों की हर वैरायटी जो हमारी दुकान पर उपलब्ध है, तो कृपया सेवा का मौका दें और भारी से भारी अपना जो वैरायटी है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो बहुत मुद्दा चल रहा है, आगे देखते हैं क्या बनता है।